शाम के 4:15, ट्रेन है हमारी 5:30। तो थंबनेल से आप समझ गए होंगे आज किस ट्रेन की जर्नी होने वाली है। जी हाँ, अवध असम एक्सप्रेस, और इसके पास एक यूनिक रिकॉर्ड भी है, लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन, यानी लंबी दूरी की प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन अवध असम एक्सप्रेस। ये जर्नी शुरू होने वाली थी लालगढ़ से, बट ये जर्नी किसी कारण से शुरू हो रही है NJP से। सो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि, वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। ठीक नेशनल फ्लैग के बगल में एक प्यारा सा स्टीम लोकोमोटिव लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, ये सिलीगुड़ी शहर में स्टेशन पड़ता है, स्टेशन कोड NJP, टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, 135 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है यहाँ पे, 17 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 17 टर्मिनेट। ये मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल के पहले का। फिलहाल यहाँ से अभी 53 कोवरी स्पेशल ट्रेन चल रही है, और यहाँ से दार्जिलिंग हिल स्टेशन बहुत नज़दीक है, 73 किलोमीटर डिस्टेंस पे है दार्जिलिंग। तो आपको यहाँ से बाई रोड आप निकल सकते हैं, आप टैक्सी रिजर्व भी कर सकते हैं, और शेयर वाली भी टैक्सी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और इस रेलवे स्टेशन की एक यूनिक बात यह है कि आप इस स्टेशन पर आएंगे तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट होता है वो 4 लैंग्वेज में होता है, 4 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली एंड नेपाली। आपने बहुत कम रेलवे स्टेशन में ऐसा सुना होगा अनाउंसमेंट नेपाली में, लेकिन यहाँ अपना समय बाकी है ट्रेन आने में, और धीरे धीरे शाम हो चुका है, लगता है ट्रेन आते आते यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। आपने अनाउंसमेंट सुना ही होगा और कोच पोजीशन भी सुन लिया होगा, किस तरह से कोच पोजीशन है। और बाकी मेरे आप देख रहे हैं सामने 3 प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है कामाख्यानंद विहार फेस्टिवल स्पेशल, जो आनंद विहार जा रही है। 3 पे आई है, 5:30 खुलने का समय था, अभी तक लगी हुई है, शायद अब खुलेगी थोड़ी देर में। और हमारी ट्रेन का भी अनाउंसमेंट हो गया है, बस 1 प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द आने वाली है। बाकी आप देख रहे हो, जब मैं एंटर किया था उस समय शाम था, हल्का हल्का उजाला था, अब थोड़ा अंधेरा हो गया। हमारे सामने देख रहे होंगे लोकोमोटिव दिख रहा होगा, अवध असम एक्सप्रेस NJP पहुंच चुकी है, और ये लालगढ़ से 2112 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है, और यहाँ से 1113 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर करेगी। आज मैं जर्नी कर रहा हूँ 3rd AC में, ये आप देख रहे हैं 2nd AC A2, B6 मेरी कोच, मुझे आगे जाना होगा। यहाँ पे लोकोमोटिव भी चेंज होता है, साइड लोअर 7। मैंने आज अपनी सीट पे उतरने वालों की इतनी भीड़ थी, गाजियाबाद सेट का W7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। अब इस ये हटेगी यहाँ से, डी कपल होगा, और यहाँ से डीजल लोकोमोटिव साथ जाएगी अवध असम एक्सप्रेस। WDP4 सिलीगुड़ी सेट का है, अब ये लोकोमोटिव अटैच होगा, जुड़ेगी, कपलिंग होगा, और यहाँ से खुलेगी। लोकोमोटिव का कपलिंग दिखाया आपको, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ समय है तो मैं कुछ देखता हूँ, खाने पीने का अरेंजमेंट कर लेता हूँ, आगे का कोई क्या है क्या नहीं सीन रहेगा, है ना। खाने में क्या है, खाने में
रोटी है और खाने में आपको अंडा कड़ी भी मिल जाएगा और आपको समोसे मिल जाएंगे। ये क्या है? दाल बड़ी। दाल बड़ा खाने पीने का भी अच्छा ऑप्शन है। बोतल एक पानी की बोतल। हाँ नहीं नहीं ये छः बज के 10 मिनट 6 बजे ट्रेन की टाइमिंग थी निकलने की और 10 मिनट लेट खुली है NJP से। चलिए फटाफट इस ट्रेन की छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। ट्रेन नंबर 05910 अवध असम एक्सप्रेस जो लालगढ़ और डिब्रूगढ़ के बीच में रोज़ाना चलती है, रन्स एवरी डे। लालगढ़ से रात को 7:50 पर खुलती है और ठीक तीसरे दिन आपको डिब्रूगढ़ उतारेगी 3:55 यानी शाम को। इस दौरान ये 3116 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 58 घंटे 5 मिनट में और इसकी एवरेज स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर। और हॉल्ट्स की बात करें तो लालगढ़ और डिब्रूगढ़ असम के बीच में इसके टोटल 73 हॉल्ट्स हैं। जहां तक कोच पोजीशन की बात है तो सेकंड सीटिंग के 4, स्लीपर के 6, थर्ड एसी के 6, सेकंड एसी के 2, फर्स्ट एसी का 1। फेयर की बात करें तो सेकंड सीटिंग का फेयर है 605 रुपया, स्लीपर का 965, थर्ड एसी का 2505, सेकंड एसी का 3690, 3690, फर्स्ट एसी का 6325। जी हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है। NJP से निकल गई है और रात का समय है, ज़्यादा तो हम लोग उसको कुछ दिखा पाएंगे नहीं, फिर भी मैं 2-3 स्टेशन कवर करूँगा रात में। लेकिन मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जर्नी करना है डिब्रूगढ़ तक तो करना है ना। तो अवध असम एक्सप्रेस NJP टू डिब्रूगढ़। बाकी आप देख सकते हैं वेंडर्स, इसमें आपको हर चीज़, मोबाइल का सामान हो, खिलौने, बच्चों के खिलौने। इस रूट में आपको अच्छे अच्छे जो क्या बोलते हैं बच्चे के खिलौने, मोबाइल के चार्जर, एयरफोन बहुत सारे मिलेंगे आपको वेंडर से। ट्रेन पे चढ़ते हैं पानी का बॉटल भी दुकान से लेगा दादा 350 मिलेगा, क्योंकि हम लोग सेल ज़्यादा करता है, फायदा कम थी तो आप 275 में देगा। नहीं देखे, ये सब रेम मॉडल सिले जाए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अरे वो मैं वो हमको पूछ। टाइम देख रहे 9:05 वाली है न्यू कुछ बिहार। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है न्यू कुछ बिहार, स्टेशन कोड NCB। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 115 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है, एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है, एक टर्मिनेट। न्यू कुछ बिहार रेलवे स्टेशन से, और लेकिन फिलहाल यहाँ से 44 COVID-19 स्पेशल ट्रेन रोज़ाना गुजरती हैं। और यहाँ से निकलने वाली पॉपुलर ट्रेन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी, गुवाहाटी एक्सप्रेस, तिस्ता तुरसा एक्सप्रेस, उत्तर बंगा एक्सप्रेस एंड हाँ ब्रह्मपुत्रा मेल, यहाँ से निकलने वाली प्रमुख ट्रेनें हैं इसी स्टेशन से। और कुछ बिहार एयरपोर्ट यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है कुछ बिहार रेलवे स्टेशन से, और ये रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल में आता है। बाकी ट्रेन हमारी 15 मिनट लेट है यहाँ। और ये है अवध असम का सेकेंड सीटिंग, यानी जनरल कोच कह सकते हैं, जो अब रिजर्व यहाँ पर भी सीटें रिजर्व होती हैं। चलिए मैं आपको छोटा सा एक अंदर का व्यू दे देता हूँ कि कैसी यात्रा हो रही है इस कोरोना काल में सेकंड सीटिंग में। यह है अवध असम एक्सप्रेस का सेकंड सीटिंग।
बाय बाय न्यू कोच बिहार, फिर मिलेंगे। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है न्यू अलीपुर द्वार, स्टेशन कोड NOQ। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 78 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है, 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 3 टर्मिनेट न्यू अलीपुर द्वार से। और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है अलीपुर जंक्शन। और यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, सरायघाट एक्सप्रेस, और जी हाँ, और जिससे मैं आज जर्नी कर रहा हूँ, अवध असम एक्सप्रेस। अभी हमारी कोच लगी है, अंधेरा ही अंधेरा है। स्टेशन पे आपने देखा फूड आउटलेट्स भी हैं और पका पकाया खाना मिल रहा है न्यू अलीपुर द्वार के पास। और हाई चीज़ मैंने देखा, हाई स्पीड वाईफाई का भी बोर्ड लगा हुआ था, तो आपको यहाँ पे वाईफाई भी मिल जाएगा। आप अच्छा, ये न्यूज़ में आया था सहेली टीम करके, अभी IRCTC पे भी आया था। हाँ, हाँ, मेरी सहेली, मेरी सहेली। तो आप, हाँ, आप लोगों का ग्रुप है वो? ये हम लोगों का ग्रुप है, हम लोगों का APTJ NFR ग्रुप है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का? हाँ, नॉर्थ NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में। हाँ, हाँ, मेरी सहेली टीम है। अच्छा अच्छा, हम लोग लेडीज पैसेंजर के जाने के लिए। अच्छा, मतलब वो हेल्प करते, सुविधा देते, मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम होता है उनको? प्रॉब्लम हो, क्योंकि लेडीज का सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। थैंक यू ऐसे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये इंडियन रेलवे की एक अच्छी पहल है। ट्रेन हमारी 15-20 मिनट लेट चल रही है, अप्रॉक्स लगता है 11:30 या 12 बजे आएगा। न्यू बोंगाईगांव स्टेशन। चलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे, सुबह मिलेंगे, नींद टूटी तो हो जाए, अदर लैंडिंग जैसे जरूर मिलेंगे। और जो स्टेशन इस जर्नी में नहीं कवर कर पाएंगे, तो रिटर्निंग में प्रॉमिस करता हूँ कवर करेंगे। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, गुड नाइट। जबरदस्त क्रॉसिंग के साथ डिब्रूगढ़ राजधानी जस्ट क्रॉस की है अभी हमें, जो नई दिल्ली गई है। और हम लोग हैं अभी सोनूबारी स्टेशन के पास। एक प्यार भरा आप सभी को सलाम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। सोनू बापरी से ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है। अब पीछे व्यू देखिए, अब वहाँ दूर में आपको पहाड़ दिख रहा होगा। अभी हल्का हल्का फॉग टाइप का है, क्या जबरदस्त नज़ारा है भाई।
हमारी पहुंच चुकी है होजाई। तो मास्क को करते हैं नीचे, आवाज़ अब जाएगी क्लियर। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है होजाई। यहाँ पे इसका टाइमिंग था 6:09 पे, बट ट्रेन यहाँ पे 45 मिनट्स लेट है होजाई में। स्टेशन कोड HJI। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 52 ट्रेन, 52 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है। ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना कोई टर्मिनेट होजाई से। फिलहाल 16 कोविड स्पेशल ट्रेन रोज़ाना गुजरती है होजाई से। और प्लेटफॉर्म है देखा, बहुत खूबसूरत लगता है, नया बना है और साफ़ सफाई। मैंने देखा पीछे प्लेटफॉर्म बहुत साफ़ सफाई, ज़बरदस्ती प्लेटफॉर्म थी होजाई की। ऊपर से सनराइज़ हो चुका है, मज़ा आ रहा है, सच को मज़ा आ रहा है जर्नी में। सुबह सुबह चाय और कॉफ़ी की तलब हो जाती है ना चाह के भी, तो कॉफ़ी ले रहे हैं। मिलते हैं लामडिंग जंक्शन के पास, वहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाएंगे भी कुछ कुछ खाने का ऑप्शन है कि नहीं। बाकी तो पेंट्री कार है इसमें, पेंट्री कार में नाश्ते में क्या मिलेगा? नाश्ते मिलेगा ऑमलेट मिल जाएगा। चलिए ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा। ठीक है कॉफ़ी ठीक है, 10 रुपये में और क्या खोजते हो भाई। ये टेस्ट मुझे जो 30 वाली कॉफ़ी में भी यही टेस्ट आता है, जो इस 10 वाली में आ रहा है। अब तो सब एक्सप्रेस में कॉफ़ी पी सकते हैं। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है लामडिंग जंक्शन, स्टेशन कोड LMG। और बता दूँ लामडिंग रेलवे डिवीज़न का हेडक्वार्टर यहीं पे है, और लामडिंग रेलवे डिवीज़न का कह सकते हैं सेकंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन लामडिंग जंक्शन। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 66 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 3 टर्मिनेट। लेकिन फिलहाल इस COVID-19 में 20 कोविड स्पेशल ट्रेन रोज़ाना गुजरती हैं। लामडिंग से निकलने वाली प्रमुख लाइन की बात करें तो गुवाहाटी रेल लाइन, डिब्रूगढ़ रेल लाइन और बदरपुर के लिए रेल लाइन निकलती। और लामडिंग जंक्शन से निकलने वाली पॉपुलर ट्रेन की बात करें तो डिब्रूगढ़ राजधानी, BG एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल, नागालैंड एक्सप्रेस, ये कह सकते हैं ये प्रमुख ट्रेनें हैं, प्रमुख ट्रेनें हैं, पॉपुलर ट्रेनें हैं जो लामडिंग जंक्शन से होके निकलती हैं। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप इतना कड़ा हो गया है, सामने सनलाइट पड़ रहा है। क्या ब्रेड ऑमलेट है क्या? बिरयानी है, बिरयानी भी मिल जाएगा लामडिंग जंक्शन में, मतलब तो पका पकाया खाने का बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ। और ये ठीक मेरे सामने देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र मेल आ चुकी है लामडिंग जंक्शन, जो दिल्ली जा रही है।
देख सकते हैं सेकंड सिटिंग का अंदर नज़ारा, किस तरह की भीड़ है। ठीक बगल में आके लगी ब्रह्मपुत्र मेल और ट्रेन हमारी लामडिंग जंक्शन से रवाना हो चुकी है। बाय बाय लामडिंग। उसको नहीं पता अभी। जैस्मिन से हाय, से हाय, हेलो, हाय, गुड डे, लेट्स गो। हमारी पहुंच चुकी है दीमापुर स्टेशन को, डीएमवी, अगला स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है दीमापुर। यह स्टेशन इन ईयर 1903 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ऑपरेट करती है दीमापुर को। तीन प्लेटफॉर्म है, 46 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है, तीन ट्रेन ओरिजिनेट होती है, तीन टर्मिनेट दीमापुर से। फिलहाल यहाँ से 10 कोविड स्पेशल ट्रेन रोजाना चल रही है और यह लामडिंग और डिब्रूगढ़ रेल लाइन पर स्थित है। स्वागत है आपका नागालैंड के दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में। और दीमापुर, जैसे मैंने बताया, ये नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और नागालैंड को फेस्टिवल ऑफ लैंड भी कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। गंगा पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है दीमापुर का। अगर आप दीमापुर में हैं तो यहाँ विजिट करना ना भूलें। और बाकी ग्रीनरी तो आपको देखने को मिला होगा लैंडिंग से बीच में, लैंडिंग से दीमापुर के बीच में इतना ग्रीनरी, ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग व्यू था, चारों तरफ हरियाली हरियाली। नागालैंड का ट्रेडिशनल फूड है नागा मील, जरूर ट्राई करें, ऑयल फ्री रहता है। नागा मील में आपको राइस मिलेगा और मीट रहता है और बॉइल्ड वेजिटेबल, उबला हुआ सब्जी। तेल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ये लोग खाना, अपने खाने पीने में, तो कह सकते हैं अपने सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है नागा मील। ब्रश करते 9 बज गया, ब्रश करते और कुछ देखेंगे ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है नाश्ता करने को। अब बाकी ट्रेन हमारी दीमापुर से रवाना हो चुकी है। ये लोग देख रहे हैं जो गए पीछे वही हैं, देव ताली वाले बड़ी स्टेन है, बहुत गुस्से हैं। खासकर तो जनरल वाल जनरल कोच में थे इन लोग, तो आप समझते हैं किस तरह से इन लोग की रंगबाजी चलती है।
ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है फरकैटिंग जंक्शन, फरकैटिंग जंक्शन स्टेशन कोड FKG, और यहाँ पे टोटल दो प्लेटफॉर्म है, 38 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है, और फिलहाल 6 कोवी स्पेशल ट्रेन रोजाना गुजरती है इस जंक्शन से, और ये रेलवे स्टेशन भी असम में आता है। हमारी पहुंचने वाली है मरियानी जंक्शन, और मैं मरियानी आने के पहले मैं देख रहा हूँ चारों तरफ टी गार्डन, चाय बागान बहुत है इधर, अब मेरे को दूर दूर में खाली चाय बागान दिख रहा है इधर। 70% ट्रेन आप पीछे देख रहे होंगे, 70% ट्रेन खाली हो चुकी है मरियानी के पहले, और कुछ लोग मरियानी में उतर जाएंगे, डिब्रूगढ़ जाते जाते लगता है ट्रेन पूरी खाली हो जाएगी। एक कड़ी राइस लग गई है भूख, और जस्ट मरियानी स्टेशन भी आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ पहले करते हैं पेट पूजा, और मरियानी रेलवे स्टेशन को ट्रेन के अंदर से ही टाटा बावे बोलेंगे। आगे आप देख सकते हो पूरा पीछे मैं देख रहा हूँ टी गार्डन, पूरा चारों तरफ चाय बगान। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मरियानी जंक्शन, प्लेटफॉर्म साइड आया है नंबर 3 देखिए, यहाँ तो कोई एक स्टॉल भी नहीं दिख रहा है फूड का। यह रेलवे स्टेशन असम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मरियानी जंक्शन। यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म है, एक पे हमारी ट्रेन आई है आप देख रहे हैं सामने, एक नंबर प्लेटफॉर्म, और ये 2 और 3, तीन प्लेटफॉर्म है। 46 ट्रेन कोरोना काल के पहले आके रुकती थी, 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती थी, 2 टर्मिनेट। और ये है हमारा आज का लंच जो मुझे अवध असम में मिला है, अंडा करी राइस, साथ में एक मिर्चा मिला है, पिकल है, सॉल्ट है। लंच करते हैं, खाने के बाद आपको उसका टेस्ट बताऊंगा कैसा था, खाने लायक था या नहीं था, जो भी था जैसा भी था खाने खाने का बाद बताता हूँ। अंडा चावल जो भी मैंने खाया है, एक करी और राइस, ना अच्छा है ना बुरा भी बोल सकते हैं, जो बुरा नहीं बोल सकते कि वही समय जो मिल जाए भाई गनीमत है, कुछ पका पका खाना मिल जा रहा भाई बहुत है, खा सकते हैं, तो भूख लगी है कोई ऑप्शन नहीं तो खा सकते हैं ठीक ठाक था, और क्वांटिटी अच्छा दे रहे हैं। मैंने इतना तो पेट मेरा हो चुका है पैक, लगा हुआ बगल में बेड, और ये प्री कोच खाली है तो मैं कहीं नहीं बैठ सकते हैं, अभी चलते हैं थोड़ा आराम करते हैं, मिलेंगे न्यू तिनसुकिया। बारिश जैसा मैंने कहा जम के बारिश हो रही है दोनों तरफ देखिए, और हमारी ट्रेन तिनसुकिया बस इंटर करने वाली है, गजब का व्यू है, लेकिन जो भी कहिए मजा आ रहा है देखने में। एस्केलेटर भी लगा हुआ है इस नंबर प्लेटफॉर्म पे,
मेन एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट है और ये सब प्लेटफॉर्म अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। न्यू तिनसुकिया जंक्शन स्टेशन पर NTSK, यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। 49 ट्रेन्स का पर डे हॉल्ट है और 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है 3 टर्मिनेट न्यू तिनसुकिया जंक्शन से। ये मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल के पहले का, और फिलहाल यहाँ से 6 कोविड स्पेशल ट्रेन रोजाना गुजर रही है न्यू तिनसुकिया जंक्शन से। आवाज़ लगता तो खट रहा होगा, नीचे कर लेता हूँ। फाइनली मेरी ये डिब्रूगढ़ की जर्नी कंप्लीट हो गई, जो मैंने कुछ दिन पहले सोचा था, जो मैंने पहले ट्राई किया था, अनकम्प्लीट थी, आज जाके कंप्लीट हुई, बड़ी खुशी हो रही है। चलिए अब मेन ये है, अब प्लेटफॉर्म उतरते हैं। अब यहाँ का जो क्वारंटाइन का क्या कहानी है, मिलते स्टेशन कैंपस के बाहर। अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम चला है कि अभी ऐसा कोई क्वारंटाइन का कोई वो नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है और नज़ारा देख लीजिए। गिने चुने आरपीएफ के जवान थे और रेलवे के कुछ ऑफिशियल्स थे बस। अब प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, क्योंकि अभी भी थोड़ा डर लग रहा है कि ऐसा नहीं क्वारंटाइन में रख दे। चलो कोई नहीं, रखेंगे तो रखेंगे यार, अपना क्या, खिलाते रहो रह जाएंगे। मैं आ चुका हूँ डिब्रूगढ़ टाउन में रेलवे स्टेशन के। मैंने बोला था कि बाहर निकल के आपसे बात करूँगा, लेकिन बात नहीं क्या कही, हमारे भाई उसी ट्रेन से आ रहे थे तो हम लोग दोनों ने दिमाग लगाया और साइड से निकल आए, नहीं तो वहाँ पे 1-2 घंटा कम से कम क्वारंटाइन में नहीं रख रहे, टेस्ट करेंगे या कुछ, टेस्ट में कम से कम 1-2 घंटा समय बीतता। तो मैं भी कुछ दिमाग लगा साइड से प्लेटफॉर्म पे लास्ट टाइम साइड में रास्ता था निकला, किस्मत अच्छी थी कोई हमें टोका नहीं। ये भाई भी, क्या नाम भाई आपका? दीपक गुप्ता जी हैं। तो हम दोनों लोग फिर वहाँ से हम दोनों साथ में थे, रोड पे ऑटो मिला, ऑटो रिजर्व करके यहाँ पे आके टाउन में आ गए। आप पीछे देख रहे हैं डिब्रूगढ़ टाउन है, तो जर्नी थी अच्छी। और बाकी मैं बता दूं क्वारंटाइन का जो कहानी है, क्वारंटाइन कहानी ये है कि आपको क्वारंटाइन में रख नहीं रहे हैं, अगर चेक कर रहे हैं, अगर आपको टेम्परेचर अगर दिखेगा वैसा तो फिर आपको वो होम क्वारंटाइन में आपको भेज देंगे। अगर आपके यहाँ घर नहीं है तो आपको होटल में क्वारंटाइन कर देंगे और होटल का बिल आपको देना होगा। तो भाई ये सब चीज़ है अभी यहाँ पे, लेकिन हाँ ये नहीं कि वहाँ पे क्वारंटाइन के लिए पकड़ नहीं रहे, रख नहीं रहे, आप सीधा अगर आप ठीक ठाक हैं घर जा सकते हैं, क्या भाई है ना। चलिए ये जर्नी रही है, ज़बरदस्त जर्नी रही, और मेरा खासकर जो मैंने अटेम्प्ट किया था इसके पहले 1.5 महीना पहले वो पूरा नहीं हुआ था, अभी जाके पूरा हुआ डिब्रूगढ़। चलिए फिर मिले किसी नई जर्नी पे, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।